नमस्कार, आप देख रहे हैं डेटा न्यूज, इंडिया टाइम न्यूज, आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव, ग्रामीणों ने किया मतदान बहिष्कार, प्रशासन को चेताया कई बार प्रार्थना पत्र दिए, फिर भी नहीं चेता प्रशासन, नहीं सुनी ग्रामीणों की बात, मजबूर होकर मतदान से किया बहिष्कार। आजीवन क्षेत्र के डुड़ोवा गाँव का मामला, तहसील क्षेत्र सफीपुर, पोलिंग हटाया इसकी है, हमारे गांव की इस पे कार्रवाई करना चाहिए। नहीं जाएंगे। सामने देखो, आज आपने मतदान का बहिष्कार किया है, क्या कारण है मतदान बहिष्कार करने का? हम लोगों का यही कहना है, ग्राम धुलवा में यहाँ पे पोलिंग होती थी, अब किन उठा के पोलिंग सिकंदरपुर कर दी गई है। हम लोग तो जा सकते हैं, जवान आदमी जा सकते हैं, हमारी माता बहन कैसे जा सकती हैं? इसलिए अगर हमारे गाँव में धुलवा में पोलिंग रहेगी तो हम लोग वोट डालेंगे, अगर पोलिंग नहीं रहेगी तो हम लोग किसी ने वोट नहीं डालेंगे। पोलिंग हटाया इसकी है, हमारे गांव की इस पे कार्रवाई करना चाहिए। नहीं जाएंगे। हमें रहती हैं आप? अच्छा दादी, आज एक मतदान का महापर्व है और सरकार ने करोड़ों रुपए फूंक दिए कि आपको 100% मतदान करना, और आज पूरा गांव मत डालने नहीं गया, इसका कारण क्या है? नहीं जाएंगे, 6 किलोमीटर नहीं जाएंगे, ये डालेंगे पोलिंग, नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। नाम है ढलोवा के निवासी। अच्छा, क्या कारण है आज आप लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया, क्या कारण? हमारा बूथ उठा के सिकंदरपुर कर दिया गया, जबकि सिकंदरपुर हमारे गांव का मजरा है, और 20 साल पहले भी यही हुआ था हमारे गांव में, फिर वही कर दिया। काफी प्रयास किया हम लोगों ने, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, जो आपने शिकायती प्रार्थना पत्र तहसील में सफीपुर दिए थे, तो क्या कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की, या कोई आश्वासन आपको किसी कुछ तरीके भी नहीं दिया? कल कानूनगो साहब आए थे, बोले कि हमने चुनाव भेजा था, लेकिन वहाँ से मतलब पता चला कि अब नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों ने कहा जो लिख के चुनाव आयोग ने भेजा उसको दिखाया जाए, इसके लिए वो तैयार नहीं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और किस गाँव के निवासी हैं? हमारा नाम है प्रवीण त्रिपाठी, ग्राम धड़ोवा के निवासी। आज आप लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, कौन सी वजह रही जो आप लोगों ने, एक महापर्व है मतदान को, जिसको महापर्व कहा जाता है, उस पर आप लोगों ने बहिष्कार किया, क्या कारण है? भैया, इसका कारण ये है कि जब से चुनाव हुए हैं तब से आज तक जो है पोलिंग हमारे गांव में ही रही है ना, लेकिन अब की बार कर्मचारियों की लापरवाही से हमारे यहाँ की पोलिंग, हमारे यहाँ से गाँव का मजरा है सिकंदरपुर, जिसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, वहाँ पर कर दी गई। हम लोगों ने इसकी लिखित अप्लीकेशन भी दी SDM को, कई बार तहसील गए, कहा गया देख लेंगे, हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। एक क्या लगता है, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही तो है? अच्छा बाबा, आज आप वोट नहीं डालने गए, काहे वोट नहीं डालने गए? कहाँ पड़ो आपकी वोट तुम्हारे आपकी बूथ कहाँ बनाओगे है? बूथ कहाँ बनाओगे है? सिकंदरपुर बताओ। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ अंदर सिकंदरपुर? यहाँ तेरे घरे तो परी एक कोस। आप इस गांव के प्रधान हैं? अच्छा, क्या कारण है कि आज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, और आप प्रधान होने के नाते आपने क्या कार्रवाई की अब तक? हमने कार्रवाई की, नायब साहब कानून को लेखपाल 3-3, 4-4 बार आए, हम लोग लिखित में दिया, SDM साहब को दिया, बोला हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। ये लोगों ने यहाँ पे हर कभी भी चुनाव इसका यहीं रहता था धुलवा में बूथ, अब ती बार उठा के 6 किलोमीटर दूर में रख दिया जाके सिकंदरपुर में। अच्छा, कुल कितना मतदाता होगा इस गांव में? गांव में कम से कम मतदाता 800 होगा। नहीं, इस गाँव का 1200 है।
अरे दादी आज वोट पड़ रहे हैं और आप लोग वोट नहीं डालने गई, क्या कारण है वोट नहीं डालने गई? नहीं गए। क्यों क्यों, क्या वजह क्या? हमारे गांव में पढ़ते हैं तो डरते हैं और हम 6 मीटर दूर नहीं रह, 6 मीटर दूर अपनी आ रहे हैं, कैसे जान चले हो ना, हमको बोल डाले नहीं गए, हम तो भाई डर थे नहीं होते हैं तो कैसे नहीं, तो हमको बोल डरे नहीं गए, हम कभी तो नहीं डरे। मतलब इससे पहले जो बूथ बनता था वो आपके गांव में ही बनता था? हमारे गांव में बनते हैं, हमारे गांव में सब वोट था, हमारे गांव में कभी हम कभी डरे नहीं, कभी गए नहीं, हमारे गांव में रहे।